मोहन सिंह आजादी जैसे राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी है और मैं देख रहा आप उनके ऑफिस में आए हुए, तो क्या आपको कैंडिडेट घोषित किया गया या किसी राज्य का पद दिया गया? जी सर जी, मैं आया था 4 मार्च 2019 को, जिस दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन था, तो मैं हमारे राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के जो फाउंडर हैं मिस्टर डॉक्टर रेहा शरण जी, इनकी विचारधारा को देखते हुए मैं इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते देखता हूँ जैसी पार्टी की हालत है, तो मैंने सोचा कि जब इस आदमी के इतने हौसले बुलंद हो सकते हैं, गरीब परिवार से उठ के और पूरे देश की सेवा में तत्पर रहने की वादा रखते हैं, तो इन्होंने मेरे को उसी दिन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। तो सर, उत्तर प्रदेश का आपको अध्यक्ष बना 2019 के चुनाव आ रहे जी, तो क्या रणनीति आप लोगों की है उत्तर प्रदेश में? देखो, रणनीति के बारे में तो मैं अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा सब नहीं बोल पाऊंगा, जैसा मार्गदर्शन हमारे अंडर जी का रहेगा हम उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। तो क्या आप कोई सी सीट से चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? जी सर जी, चुनाव लड़ने का मेरा अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कैंडिडेट हमारे चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनकी पूरी तहे दिल से सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।